नहीं दे रहे हैं। चार बरस हो गया फार्म भरे हुए, किसी को एक पैसा नहीं मिला। जब जरूरत पड़ता किसी विभाग को तो पूरे फोर्स जिला अधिकारी पूरा एकदम पूरा जाता है, लोग गोली उली चला के जबरदस्ती। किसान क्या करेगा? किसान करेगा क्या? किसान तो बेचारा है। लोग कहते हैं पूरे कि किसान को ये करते हैं वो करते हैं, किसान तो सही मर रहा है। किसान के लिए क्या किया जा रहा है? कितना आत्महत्या कर रहा है, कितना? अब हम भी क्या होगा, नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? और उसके बाद हमारा कुछ चारा नहीं है। हम बिहार सरकार से और वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, राजेश कुमार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगाते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह से फरियादी आए हुए हैं। एक फरियादी जो आए हुए हैं, उनको भतीजी को शादी था, जो ज़मीन बेच के देना था वो ज़मीन चल गया था आवास बोर्ड में, अभी तक उनको किसी भी तरह से सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। वो भटकते भटकते अपने घर से लेकर के पूरे सचिवालय से लेकर के जनता दरबार मुख्यमंत्री के पास आए, पर यहाँ ने प्रशासन इन्हें रोक दिया है। क्या कुछ कहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला था पूरा सर? 70-72 में सर आवास बोर्ड ज़मीन एक्वायर किया सर, दीघा, राजीव नगर एरिया भी पड़ता है दीघा में। और अभी तक उसके बाद 14 में नया कानून बना, दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम 2014 एवं दीघा भूमि अर्जित बंदोबस्ती नियमावली 2014, उसके तहत हमने आवेदन पत्र किया 500 रुपया के आवास बोर्ड से, फॉर्म खरीद कर फॉर्म भर के आवेदन किया। लेकिन अभी तक ले 4 बरस होने जा रहा है, उसके बाद 1 बरस से मुख्यमंत्री के यहाँ उप मुख्यमंत्री को आवास विभाग के जो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को, सभी जगह माने जिला अधिकारी को, भू अर्जन पदाधिकारी को, सभी जगह आवेदन पत्र कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ज़मीन का मुआवजा नए एथी के मुताबिक नहीं मिल रहा है। अब कुछ नहीं, सब अलूल गलूल जवाब दे रहे हैं। अगर सूचना के अधिकार के तहत मांग रहे हैं तो अटर पटर जवाब दे रहे हैं, कोई सही जवाबे नहीं आ रहा है। आई लोग जबरदस्ती भूमि को कब्जा कर लेते हैं, बिहार आवास बोर्ड और बिहार सरकार के पदाधिकारी मिलके और जमीन को कब्जा करके किसी विभाग को अलॉट कर देते हैं। किसान इसी तरह से रह जाता है, किसान को एक पैसा दर्शन नहीं हो रहा है। अरे जमीन ले रहे हैं तो उसका मुआवजा दीजिएगा ना, लेकिन हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती हड़प ले रहे हैं। तो भू माफिया में बिहार सरकार में क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? जब वो भी हड़प रहा है जमीन, भू माफिया भी उसी तरह से कर रहा है, बिहार सरकार भी उसी तरह से कर रही है। आपको भतीजी शादी था? हाँ शादी है। क्या था? शादी करना है, अब इसी पैसा मिलेगा तब ना। किसको शादी करना है? भतीजी का शादी करना है। जमीन तो हड़प, जब जमीन दे रहा है खाली ऐसा ही है, कुछ अलूल जलूल जवाब दीजिए ना। देखिए ना, हम तो सब चीज रखे हुए हैं, स्पेशल सिक्योरिटी लैंड, रेवेन्यू एंड लैंड, भूमि एवं सुधार विभाग, अटर पटर सब जगह टोटल तो दिए हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए ना, हम तो पूरा कागज रखे हुए हैं, आप देखिए इसको। खाली बस लेटरबाजी हो रहा है, देखिए। लेकिन अभी तक हमको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिल रहा। अभी नीतीश कुमार भी गए तो क्या वहाँ देखिए, यहाँ यहाँ भी ये भी देखिए, अभी पूरा हम और कहाँ कहाँ गए थे? कोई जगह ऐसा बाकी नहीं है कि हम नहीं गए। इस विभाग से अंतर्गत जितना भी आता है कहीं भी हम बाकी नहीं है, कहीं भी बाकी नहीं, समझा ना। कोई ऐसा जगह बाकी नहीं है। देखिए आवेदन पत्र दिए थे सब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सबको टोटल को दिए हैं, समझा ना। तो क्या बोला, यहाँ पे मिलने के लिए जा रहे थे तो नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाने दिया? नहीं, हमको नहीं रोक दिए, तब हम क्या करें? अब रोक दिए, कहें कि 3:30 बजे के बाद खत्म हो जाएगा मीटिंग, तब उसके बाद जाइए। कौन बोला कि 3 बजे के बाद खत्म? यहाँ पर लोग पूछे, देखिए समाहर्ताओं को भी लिखे, देखिए। तो ऐसा लग रहा है कि भू माफिया और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है सरकार में? हाँ सरकार, हम देखिए डायरेक्ट हम नीतीश कुमार को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो मालिक हैं
यहाँ के बिहार के मालिक वही ना, मुख्यमंत्री के मतलब मालिक, तो उनको तो कम से कम देखना ना चाहिए कि हाँ किसका भूमि हड़पा जा रहा है, जब आप ही कानून बनाए, कानून आप ही में बनाए, विधानसभा से पास किए, पास करने के बाद फार्म 500-500 रुपया फार्म लेके फार्म भरवाए, और फार्म भरवाने के बाद मुआवजा नहीं दे रहे हैं, 4 वर्ष हो गया फार्म भरे हुए, किसी को एक पैसा नहीं मिला, जब जरूरत पड़ता किसी विभाग को तो पूरे फोर्स जिला अधिकारी पूरा एकदम पूरा जाता है लोग गोली उली चला के जबरदस्ती, किसान क्या करेगा, किसान करेगा क्या, किसान तो बेचारा है, लोग कहते हैं पूरे कि किसान को ये करते हैं वो करते हैं, किसान तो सही मर रहा है, किसान के लिए क्या किया जा रहा है, कितना आत्महत्या कर रहा है कितना, अब हम भी क्या होगा, नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, और उसके बाद हमारा कुछ चारा नहीं है, हम बिहार सरकार से और माने वो पदाधिकारी लोग से लड़ सकते हैं, लड़ने का हमको पावर है, जनता का क्या है, जनता रोड का कीड़ा है, जनता कौन सुनता है, अभी बहुत कुछ सूचना के अधिकार देखिए ना, अलूल जलूल जवाब देते रहता है, यही तो देखिए ये दे रहे हैं कि आप मांग रहे हैं, तो देखिए हमारा पारिवारिक बंटवारा हुआ है 1970 में, अब 72 में एक्वायर हुआ है, एक आदमी से पूरा, खास तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो फरियादी आए हुए थे वो सीधे तौर पर कहते हैं कि भू माफिया और बिहार सरकार में क्या फर्क है, मुझे अभी तक मुआवजा नहीं जमीन को मिला है, मेरा भतीजी को शादी करना है, और अगर लास्ट में हम क्या करेंगे बिहार सरकार से या बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी हैं, हम उनसे जीत कैसे पाएंगे, हम लास्ट में आत्महत्या कर लेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।